तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और फिलहाल मैं अभी हूँ गुजरात के खूबसूरत शहर गांधीनगर में, और आज मैं जा रहा हूँ गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। तो अभी मैं खड़ा हूँ, जो आपको दिख रहा है, जो पीछे दिख रहा है ना आपको सर्कल, वो है रक्षा शक्ति सर्कल। जो सरगासन से आप आएंगे उसके बाद आएगा, फिर वहाँ से सीधे जाएंगे तो गिफ्ट सिटी जा पाएंगे। अगर आप यहाँ से आते हो तो ये अहमदाबाद एयरपोर्ट वाला रोड है, यहाँ से आएंगे और इस तरफ जो रोड है वो है सरगासन, और अपने को जाना है इस तरफ राइट साइड में। तो अगर यहाँ से जाएंगे तो गिफ्ट सिटी जा पाएंगे। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स अभी नया बना है तो आपको ढूंढने में दिक्कत तो नहीं होगा। ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से आपको राइट साइड में जाना है। तो चलिए अभी चलते हैं। आज मैं गाड़ी लेके नहीं निकला हूँ क्योंकि अच्छे से आपको दिखा पाऊँ, इसीलिए। तो देखते हैं। तो ये वाला है उसका सर्कल, तो अपने को जाना है इसी तरफ। तो जैसे जैसे जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। बीच में रेस्टोरेंट भी है और गिफ्ट सिटी काफ़ी डेवलप हो गया है पहले की कंपेयर में। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी का कुछ नज़ारा ऐसा है, काफ़ी सारा बिल्डिंग नया बन गया है, पहले इतना नहीं था। ठीक है, चलिए तो पहले चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको अहमदाबाद से अगर मेट्रो में आना चाहते हैं ना, तो मेट्रो एक्चुअली जाता है गिफ्ट सिटी में, पर आपको बीच में से चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हो तो आपको मोटेरा जो है वहाँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा नियर है भाई ये जो धौला कुआ है सर्कल, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है ना, आप यहाँ पे उतरेंगे तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मैं जो मेट्रो का टाइमिंग है जो अहमदाबाद से गांधीनगर जो चलती है और गांधीनगर से अहमदाबाद, तो दोनों का लिस्ट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर बता दूंगा। तो आप जा सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप मतलब चाहे गिफ्ट सिटी जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो भी यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाना, क्योंकि उसके लिए भी आपको मोटेरा से बीच में से अलग चेंज करके गिफ्ट सिटी जाना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट आना है तो मोटेरा से डायरेक्ट यहाँ धौला कुआ आ सकते हो। अगर आप जो मैंने सर्कल बताया ना रक्षा शक्ति, तो वहाँ से धौला कुआ होकर आप अगर गिफ्ट सिटी सर्कल तक तरफ जाएंगे तो बीच में रेस्टोरेंट काफ़ी सारा है। अगर आपको खाना है तो मैं आपको बढ़िया सा रेस्टोरेंट बता देता हूँ। एक सामने अगर आपको दिख रहा होगा, एक ये अन्नपूर्णा है, विलेज रेस्टोरेंट है, आपको एकदम विलेज वाला फील आएगा। और दूसरा इधर भी है, ये रहा स्वाद वाटी का, आपको दिख रहा होगा। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे ये बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं गया था वहाँ पर भी गया। बाकी ये भी रेस्टोरेंट है किस्मत पर, ठीक है, ठीक ठाक है, उसके जैसा नहीं है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है। अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाएगा। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से गिफ्ट सिटी है 3 किलोमीटर, हिम्मत नगर है 64, उदयपुर अगर होता है यहाँ से 233 किलोमीटर। तो ये रहा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। तो ये सर्कल है, ये आपको दिख रहा होगा सर्कल, यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ राइट साइड। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे सर्कल आगे जाके कि कैसा दिखता है। और एक बात बताना रह गया कि अगर आप गांधीनगर में मतलब जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे अंदर अंदर आपको कहीं पे भी जाना है ना, तो उसका एक अलग से बस चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उसका लिस्ट डाल दूंगा आपको कहाँ कहाँ से बस आपको पिकअप कर सकता है। आप मेट्रो स्टेशन अगर उतरेंगे गिफ्ट सिटी का, तो वहाँ से भी आप पूरे गिफ्ट सिटी के अंदर कहीं पर भी जा सकते हो, वो भी फ्री में, सुबह से शाम तक है। वो टाइमिंग भी मैं अंदर मेंशन कर दूँगा। तो अगर आपको अंदर अंदर कहीं पर जाना है गिफ्ट सिटी में, तो आपको कोई प्राइवेट व्हीकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि गूगल है, SBI, पूरे गुजरात का हेड ऑफिस यहाँ पे है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी ऑफिस यहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, दिख रहा है आपको NSE जो लिखा है ना, ये वाला वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस। बहुत सारी बैंक ऑफ अमेरिका, ये बैंक ऑफ अमेरिका है उसका ऑफिस है। तो मतलब यहाँ काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑफिस है,
और ये है SBI, SBI और उसके बाजू में ये है गूगल, ये गूगल है और ये SBI, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और ये जो जगह है ना, ये आपको दिख रहा है गेट, ये वही है जहाँ पे नवरात्रि में आदित्य गढ़वी जो है उनका कॉन्सर्ट यहाँ पे हुआ था। तो ये है मेन रोड, चलिए आगे जाके आपको ठीक से बताता हूँ। तो ये जो है ना, ये है SBI का हेड ऑफिस, ये LIC का हेड ऑफिस और ये गूगल का ऑफिस है, तीनों एक साथ में ही है। और ये बैंक ऑफ अमेरिका जो मैंने आपको बताया, यहाँ से मैं आया हूँ सर्कल से, आप सीधे आएंगे ना, यहाँ से आप आएंगे सीधे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। पूरे गिफ्ट सिटी में सबसे यूनिक अगर कोई बिल्डिंग है ना तो वो है SBI का हेड ऑफिस, आप दूर से देख के ही पता चल जाएगा ये SBI है। तो बड़ा सा लोगो लगा के रखा है, देखता हूँ उसके आगे अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वीडियो बनाते हैं तो सिक्योरिटी होता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाता है, फिर फालतू में कौन झमेला करेगा, तो इसीलिए देखता हूँ अगर कोई होगा नहीं तो फिर मैं दूर से वीडियो बना लेता हूँ। बाकी LIC है, गूगल है, मतलब बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा ही फील आएगा कि आप जैसे कि गुड़गांव में या फिर आप कुछ अलग जगह पे घूम रहे हो। ऐसे तो गिफ्ट सिटी पूरा 10 किलोमीटर के अंदर है, अगर पूरा घुमाने जाऊंगा तो शाम हो जाएगा, तो इसीलिए जो मेन है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक और भी है, देखिए ये है IBM, आपने नाम सुना होगा, ये IBM का ऑफिस है, ये एक्चुअली गूगल वाला जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर ही है। ये मैंने वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर फर्स्ट टाइम कोई आता है तो वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा गिफ्ट सिटी को अहमदाबाद या गांधीनगर मेन जगह से, तो इसीलिए मैंने बनाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है कि कैसे जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ गिफ्ट सिटी के अंदर जो प्राइस है ना घर के, बहुत है, मतलब 2 BHK अगर आपको लेना है तो मिनिमम 1 करोड़ तो आपको देना ही पड़ेगा गिफ्ट सिटी के अंदर। उसके बाहर लेंगे तो ठीक है, वो तो कम हो सकता है, अंदर तो आपको हाई प्राइस मिलने वाला है। गिफ्ट सिटी में यही दिक्कत है कि जियो का टावर बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरा जियो था पर मेरा टावर आता ही नहीं था, तो फिर परेशान होकर फिर मैंने एयरटेल में पोर्ट कराया, एयरटेल ठीक ठाक आ जाता है पर जियो बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपका बात ही नहीं होगा किसी से, तो ये एक दिक्कत है। अगर टावर लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो सही चलेगा आपका फ़ोन, पर अभी फ़िलहाल जब तक पूरा डेवलप नहीं होगा तो ये थोड़ा बहुत तो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा। अगर गिफ्ट सिटी में आप आ रहे हो तो ऐसा सोचोगे कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा फूड कोर्ट है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ठीक से थोड़ा विजिबल कर देता हूँ, ये वाला ये फूड कोर्ट है, ये रात को भी चलता है और दिन को भी चलता है, तो अगर आपको खाना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा ऑफिस है ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उनको चालू रखना पड़ता है। कंपेयर टू सिटी के हिसाब से आप काउंट करेंगे तो थोड़ा प्राइस हाई होगा, पर फिर भी ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा खाना और ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप बाहर से है या फिर लोकल है, और ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ गिफ्ट सिटी के अंदर कुछ ऐड लगाना चाहते हो या फिर आपको कोई बैनर लगवाना है तो हमारा जो यहाँ पे एक पब्लिसिटी बोर्ड है तो वो आप उसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट करके लगा सकते हैं, तो आप उसके ऊपर जो नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है तो आप फिर कमेंट में भी अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा तो आपको हम कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये वाला हमारा है, हमारी कंपनी का है, तो अगर आप चाहे तो आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप करा सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं गूगल के पास में ही है, तो काफ़ी सारा अच्छा आपका मतलब पब्लिसिटी हो जाएगा, क्योंकि आने जाने वाला रूट यही है तो सबका नज़र तो एक बार जाएगा ही।
तो आप उसके ऊपर भी कॉन्टेक्ट करके अपना ऐड लगवा सकते हैं। तो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि गुजरात का कैपिटल क्या है, सब अहमदाबाद को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे थे जो ऐसा समझते थे कि जो अहमदाबाद है तो वही गुजरात का कैपिटल है, पर ऐसा नहीं है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। तो ये है सर्कल जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से हम आए थे। देखिए यहाँ पर भी लिखा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। ऐसा कुछ नज़ारा है अभी का, एक्चुअली दोपहर है ना इसीलिए इतना भीड़ नहीं है, अदरवाइज शाम को थोड़ा बहुत चहल पहल ज़्यादा रहता है।